व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट की जाने अनजाने श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम उस दौर की बात करेंगे जब भारतीय सिनेमा को आवाज मिल गई, वो बोलने लगा, लेकिन अभी इसे शुरुआती दौर की कई मंजिलें पार करनी थी। संगीत का चलन तो मूक फिल्मों के दौर से ही था, लेकिन वैसे ही जैसे स्टेज पर कोई नाटक चल रहा हो और पर्दे के पीछे बैठे साजिंदे दृश्य के मुताबिक साज छेड़ रहे हों। बोलती फिल्में बनने लगी तो संगीत का महत्व और बढ़ गया, धुनें बनने लगी, गीत गाए जाने लगे, लेकिन ऐसे में उन्हीं कलाकारों को फिल्मों में अवसर मिलते जो अभिनय के साथ साथ गाना भी जानते हों। फिर संगीतकार आरसी बोराल, उनके साथ ही गायक संगीतकार पंकज मलिक और निर्देशक नितिन बोस ने मिलकर एक ऐसा प्रयोग किया जिससे फिल्म संगीत में क्रांतिकारी परिवर्तन आया और फिल्मों में पार्श्व गायन की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से अब उन गायक कलाकारों को भी अवसर मिलने लगे जिन्हें अभिनय से कोई सरोकार नहीं था। इसी तरह कलाकारों के लिए भी अब गाना आवश्यक योग्यता नहीं रही। इस क्रांतिकारी परिवर्तन से संगीत जगत समृद्ध होता चला गया। भारतीय सिनेमा में पार्श्व गायन की शुरुआत करने वालों में से एक रायचंद बोराल यानी आरसी बोराल के बारे में आज हम बात करेंगे। रायचंद बोराल का जन्म 19 अक्टूबर 1903 को कलकत्ता में हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीतमय वातावरण मिला था। उनके पिता लालचंद बोराल जाने माने शास्त्रीय संगीतकार थे। उन्हें संगीत वाद्य पखावज में शोहरत हासिल थी। रायचंद बोराल ने पंडित विश्वनाथ राव से धमार और उस्ताद माजिद खां से तबला बजाने की शिक्षा प्राप्त की थी। गायक और संगीतकार पंकज मलिक उनके मित्र थे। इन दोनों ने वर्ष 1928 में फिल्मों में प्रवेश किया और उस समय की बनने वाली मूक फिल्मों के लिए संगीत देने लगे। 1931 में बोलती फिल्मों की शुरुआत होने पर उन्होंने धुनें बनाना भी प्रारंभ कर दिया। कोलकाता में न्यू थिएटर्स में काम करते हुए आरसी बोराल ने वहां के साउंड इंजीनियर मुकुल बोस, जो कि नितिन बोस के भाई थे, उनके साथ एम्पलीफायर का प्रयोग भी संगीत में प्रारंभ किया। इसी श्रृंखला में उन्होंने एक और उपलब्धि हासिल की, वो थी संगीत वाद्य यंत्रों के साथ ध्वनि प्रभाव देना। 1932 में आई फिल्म मोहब्बत के आंसू आरसी बोराल की संगीतबद्ध पहली फिल्म थी, जो हिंदी फिल्म जगत के पहले सुपरस्टार कुंदनलाल सहगल के अभिनय से सजी थी। बाद में आरसी बोराल ने केएल सहगल के साथ और भी कई फिल्में की, जिनमें से 1934 की फिल्म चंडीदास उनकी सबसे कामयाब फिल्मों में से एक थी। 1937 की फिल्म प्रेसिडेंट में कुंदनलाल सहगल द्वारा गाया गीत एक बंगला बने न्यारा आज तक आरसी बोराल और सहगल की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में गिना जाता है, लेकिन इतिहास रचा जाना अभी बाकी था। हुआ यूं कि न्यू थिएटर्स जाते समय संगीतकार पंकज मलिक का घर नितिन बोस के रास्ते में पड़ता था, इसीलिए हर रोज पंकज मलिक नितिन बोस के साथ उनकी कार से स्टूडियो आते जाते थे। एक दिन नितिन बोस पंकज मलिक के दरवाजे पर अपनी कार का हॉर्न बजाकर उन्हें बुला रहे थे। लगातार हॉर्न की आवाज सुनकर पंकज मलिक के पिता ने उनको कमरे में जाकर बताया कि गेट पर नितिन बोस बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना सुनते ही पंकज मलिक दौड़ते हुए नितिन बोस के पास पहुँचे और कहा, माफी चाहता हूँ, मैं जरा अपने पसंदीदा अंग्रेजी गानों का रिकॉर्ड सुनते हुए उनके साथ गाने में मशगूल हो गया था, इसीलिए कार का हॉर्न सुनाई नहीं दिया। नितिन बोस ने इस घटना की चर्चा न्यू थिएटर्स में आरसी बोराल से की और उनसे चर्चा करते हुए उन्हें अपना एक सुझाव दिया कि क्यों ना हम कुछ नया प्रयोग करें। जैसे पंकज उस गाने के साथ गा रहे थे, उसी तरह गाने को भी पहले से रिकॉर्ड किया जा सकता है। इससे हमें अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की आवाजों के साथ समझौता नहीं करना पड़ेगा, हमारे पास
विकल्प ये होगा कि हम किसी सुरीले प्रशिक्षित गायक गायिकाओं की आवाज में गाने रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में शूटिंग के समय फिल्म में अभिनय कर रहे चरित्र पर चित्रांकन कर सिनेमा को और रोचक बना सकते हैं। आरसी बोराल इस विचार से पूरी तरह सहमत हुए। फलस्वरूप उस समय नितिन बोस के ही निर्देशन में बन रही फिल्म धूप छांव के लिए उन्होंने पहला गाना मैं खुश होना चाहूं खुश हो न सकूं रिकॉर्ड किया, जिसमें मुख्य स्वर केसी डे का था और कोरस में पारुल घोष, सुप्रवा सरकार और हरिमित के स्वर थे। इसके रिकॉर्डिस्ट थे मुकुल बोस। इस प्रकार संगीतकार के तौर पर हिंदी सिनेमा में पार्श्व गायन की परंपरा का श्री गणेश करने का श्रेय आरसी बोराल को जाता है, जबकि प्रथम पार्श्व गायक होने का श्रेय केसी डे को दिया गया। पार्श्व गायन की शुरुआत करने वाली ये फिल्म 1935 में प्रदर्शित हुई थी। भारतीय फिल्म जगत में संगीत के भीष्म पितामह कहे जाने वाले आरसी बोराल न्यू थिएटर्स के साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में भी संगीत विभाग के अध्यक्ष थे। आरसी बोराल ने मूक सिनेमा के अंतर्गत चोशेर मुए और चोर कांटे फिल्मों में स्टेज ऑर्केस्ट्रा का संचालन किया था। ऑर्केस्ट्रा में हारमोनियम और वायलिन के साथ साथ चेलो, बांसुरी और ऑर्गन का प्रयोग कर उन्होंने स्टेज ऑर्केस्ट्रा को भी एक नया और आकर्षक रूप प्रदान किया था। आरसी बोराल को पहली संगीतमय कार्टून फिल्म बनाने का भी श्रेय जाता है। उनके द्वारा निर्मित 3 कार्टून कथा चित्रों में भूले रे शेरशे, लाख टाका और भोला मास्टर है। आरसी बोराल को कार्टून फिल्म बनाने की प्रेरणा मशहूर हास्य कलाकार चार्ली चैपलिन की फिल्म एसिटी लाइट से मिली थी। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, हेमंत कुमार, किशोर कुमार, आशा भोसले, गीता दत्त, महेंद्र कपूर, मन्ना डे और भी न जाने कितने ही गायक गायिकाओं के लिए पार्श्व गायन का मार्ग प्रशस्त करने वाले संगीतकार आरसी बोराल के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय सिनेमा के युग पुरुष कालजयी संगीतकार आरसी बोराल का निधन कोलकाता में 25 नवंबर 1981 को हुआ। जाने अनजाने श्रृंखला आपको कैसी लग रही है जरूर बताइए, और यदि आपने YouTube चैनल व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट।